दोस्तों अभी हम बिरौल रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ हमें एक लड़की मिला और ये लड़की से अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, प्यार करने वालों के लिए एक संदेश, ये प्यार करने वालों के लिए एक हम संदेश दे रहे हैं, और इसमें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो मेरा बाप का कुछ नहीं जाता है। ऐसे ही इसी की तरह रेलवे स्टेशन पर भटकोगे, मार्केट में भटकोगे, कहीं का रहने वाले नहीं रहोगे, ना माँ बाप रखेगा, ना समाज परिवार रखेगा, ऐसे ही जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये लड़की है जो कि इस बलिया स्टेशन, ये सॉरी बिरौल स्टेशन पे मुझे मिला है। यहाँ की कुछ लोगों के द्वारा जानकारी दिया गया, जब हम यहाँ पहुँचे हैं, आने के बाद इस लड़की से अभी बात करेंगे और इससे पूछेंगे और सारी जानकारी आपको देंगे। मेरा काम किसी के भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, ये जानकारी देना है, सतर्क करना है, ताकि सतर्क रहे आप, क्योंकि कल हो के आपके भी बच्चा ना इसी लड़की के तरह कहीं ना किसी के साथ प्यार करता हो और भाग जाए और बाद में धोखा खाए। आइए हम बात करते हैं इस लड़की से। इधर कैमरा की तरफ आप घूमिए। क्या नाम है आपका? चांदनी। क्या ये आप यहाँ कैसे आ गए? लड़का भी आने थे हमको। लड़का लाया था? हाँ। कौन लड़का लाया था? जो लड़का लेकर भागो लड़का। कहाँ का लड़का? अच्छा, सुपौल का है। सुपौल का लड़का है। और आपका घर कहाँ हुआ? हमको घर तनुआ है। आप जो उस लड़का के साथ भागे, तो क्या आप माँ बाप को जानकारी दे के निकले घर से, या ऐसे ही भागा है? हमको माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है? तो फिर पिताजी आपका डेट किया है, मम्मी भी डेट कर गया है, दोनों डेट किया हुआ है। तो आपके घर में और कौन है? कोई नहीं है, सभी बाहर में है, हमको छोटा भाई अपना। तो भाई को धोखा दे करके भाग आई है? और भाग के आई तो कौन सा लड़का के साथ आई, क्या नाम था उसका? हाँ बोलो, क्या नाम था? नाम नहीं पता है अभी, नाम बोले भुला गए। नाम भी भुला गई, अनजान लड़का, नाम भी याद नहीं, और उस लड़का के साथ घर से निकल गई। गोपाल। गोपाल नाम है उसका? गोपाल नाम है लड़का का। हाँ। कहाँ का लड़का है? वो रहता है बाजारे में, घर का हमको बाजारे में, हमको बाजारे में। तो तुमसे उसका कैसे हुआ बात, कैसे वो पहचान गया तुम्हें, और कैसे बात हुआ, कब से ये बात सिलसिला चल रहा है? कहाँ मिला था वो लड़का? आधार कार्ड बनाने के लिए गई थी, यहीं पे मिला था। कहाँ आधार कार्ड बनवाने गई थी? यहीं पे, सुपौल में। उसी के यहाँ वो मिला था? नहीं, वो दुकान पे मिला था। उस दुकान पे मिला था? हाँ। जिस दुकान पे आधार कार्ड बनाने गई थी? हाँ। दे लिए, अपने बच्चे पे सावधान रहे, बच्चे को अकेला मत भेजे कहीं, खास करके अगर वो लड़की है तो। अभी आगे और डिटेल बताते हैं, सबर कीजिए थोड़ा, इसे धरफड़ाइए मत, आराम से थोड़ा देखते रहिए। अभी कैसे, उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग समाज में गलत मैसेज फैलाती है, जब जान पहचान नहीं था, नाम नहीं मालूम है, कभी कुछ बोल रही है, कहीं घर नहीं देखा है, तो कैसे उसके साथ तुम प्यार कर रही है, कैसे उसके साथ निकल गई कहने के बाद? माँ बाप मरा हुआ, छोटा भाई था, उसका भी ख्याल नहीं आया तुमको? कम से कम छोटा भाई का ख्याल तो आना चाहिए। फोन पे बातचीत हुआ? कैसे बात होता था उससे, कैसे बात हुआ उससे? फोन पर होता था बात। फोन नंबर उसका पता है? फोन नंबर हमको नहीं पता है, पर हम बात करते हैं, सिम तिम तोड़ दिए। अच्छा, ये दिखाओ, इसी मोबाइल से बात करते थे, इसका सिम निकाल के तोड़ दिया। और क्या क्या घर से लेके भागी थी? हमको कुछ नहीं, वो सोना है, थी मंगलसूत्र है। हाँ। एगो मैं वाला थी, कान वाला है। हाँ। एगो पायल भी है। एगो पायल भी है। हाँ। ये सब लेके भागी तो कहाँ है? उसके पास है, लड़के के पास। वही लड़का के पास है? हाँ। आधार कार्ड है, खाता नंबर है, सब कुछ उसके पास है। यहाँ कब आई? वो लड़का भी लेकर आये थे, बोला की तुमको ले जाएगा बाहर, चलिए हमको साथ। अच्छा, वहाँ से लड़का लेके आया? कितना दिन से ये बात होता था उस लड़का से तुम्हारा? हो गया 10-15 दिन। 10-15 दिन से हो रहा था। उसके बाद तुमको जो है वो लड़का यहाँ लेके आ गया? हाँ। क्या बोला, बाहर चलो? हम कहे नहीं, बाहर निकले, वो कहते भाग, हम बाहर बॉम्बे ले जाएगा। अच्छा। कर लेगा। और बॉम्बे लाके यहाँ पर जो बिरौल स्टेशन पर छोड़ दिया? बोला कि आप बैठिए, हम आ रहा है बैग लाकर, कपड़ा लता लाकर, तब बैठिए, तब आएगा। तब कितना देर से यहाँ बैठी है? 12 बजे से बैठे हूँ। अच्छा, अभी तक यहीं बैठा है, वो लड़का नहीं आया? नहीं, लड़का का ढूंढने सिम भी तोड़ दिया। हाँ, लड़का का ढूंढने भी गई थी बाजार। हाँ। नहीं मिला। नहीं, बाजार में भी नहीं मिला। नहीं। जिस दुकान पे तुम्हारा मुलाकात हुआ था उससे दुकान पर भी नहीं मिला? नहीं मिला, कहीं नहीं। कहीं नहीं। अब ये बताओ, ये तुमको अच्छा लगा ये करना? नहीं। जब मोबाइल पे देखते हो इतना तरह का न्यूज आता है, जो लड़का वो लड़की को लेके भाग गया, वो लड़की वहाँ चला गया, वो महिला वहाँ चला गया, तो इतना भी करके तुम पढ़ी लिखी हो? नहीं, पढ़ी लिखी नहीं हो तो मोबाइल में तो पता होगा ना, देखती हो ना, है कहे भाग गई मोबाइल। अब क्या करेगी ये बताओ, अब क्या करेगी? अब वापस घर पे जाएगी? जाएगी ना घर पे, आखिर नहीं जाना है? घर पे कोई भी नहीं आएगा। भाई कहाँ है तुम्हारा? भाई तो नहीं है। हाँ, तो घर पे जाएगी ना अभी?
भाई के पास की, भाई को छोड़ देगी ऐसे रोते भी लगते। घर पे जाना है कि नहीं ये बताओ। घर पर आप कोई भी नहीं रखता है। कहे नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। रुको, तुमको घर से लेके आया ना? तुमको घर से लेके आए थे। वो लड़का घर से लेके आया? हम बोला कि नहीं चल के तुम चलिए हमको साथ। अच्छा, तो अभी घर पे तुम्हारा एक छोटा भाई है? हाँ, हमको भाई है। मोहल्ला का लोग को, घर के लोग को मालूम है जो तुम भाग गई हो? ककरो नहीं मालूम है। आज सुबह में घर से निकली है या कि आज काफी दिन से फरार है? 8 दिन हो गया। हम 8 दिन से घर से फरार है। तो 8 दिन से वो लड़का कहाँ रखा था तुमको? बाजार में रखा था। बाजार में कहाँ पर? रूम भाड़ा लेकर। उस रूम भाड़ा जहाँ लेके रखा था वो रूम देखा हुआ है तुमको? वहाँ पे गए थे, वहाँ पे नहीं लड़का है। लड़का नहीं है? नहीं। उस रूम में ताला लगा है? रूम में ताला अंदर से आगे से लगा है, मतलब अंदर से लगा है। तो लड़का उसी रूम में होगा ना? हाँ, यह रूम में होगा। हम गए थे यहाँ पर से, तब वहाँ पे खोजने के लिए गए थे, कतो नहीं मिले। कहीं नहीं मिला, तब फिर आई यहाँ पर बैठने के लिए। तो यहाँ पर बैठे रहोगी उससे तुम्हारा पेट भर जाएगा? भरेगा सर। दोस्तों देखिए, इस लड़की के साथ अब क्या होगा वो भगवान जाने, हमें तो पता नहीं। लेकिन ये घर से निकली हुई 8 रोज से है, 8 रोज से ये घर से गायब है, और आज इस लड़की को का लाता है। 8 रोज से इसको सुपौल में रखा हुआ था, मार्केट में रखा हुआ था रूम पे, आज इसको लेके आया। जो चलो हम तुमको लेकर के मुंबई चल रहे हैं, यहाँ ला करके इसको बैठा दिया, वापस बोला हम जा रहे हैं कपड़ा लाने, बैग लाने, वो गायब है ये लड़की। उसके बाद उस जगह पे गई, वहां जाने के बाद इसको कोई नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, फरार है वो लड़का। ये बोल रही है भीतर से रूम में कोई है, अंदर से बंद किया हुआ है, गेट नहीं खोल रहा है। अब वो लड़का है या कौन है उस रूम में ये पता नहीं। ये लड़की अभी यहाँ पर में बिरौल स्टेशन पे बैठी है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, हमको यहाँ के लोगों के द्वारा जानकारी दिया गया, फिर हम लोग यहाँ आए, आकर के यहाँ पे इससे बात किए। इसके घर पे भी बोल रही है कोई नहीं, एक छोटा सा बच्चा है, इसका भाई है।